26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने की इतनी जल्दी क्या थी? तरामीम 31 अक्टूबर के बाद भी मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता? ये आज़ाद अदलिया का गला घोंटने की तरामीम है। पार्लियामेंट की तोहीन हुई, विफाक को कमज़ोर किया गया। पीटीआई अरकान असम्बली को हरासत करके हुकूमती बेंचों पर बिठाया गया। कायद हिजब इख्तलाफ उमर यूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM इस आईनी तरामीम का हिस्सा नहीं बनेगी। धांधली से बनी हुकूमत को आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। जनाब स्पीकर, ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ये सारे का सारा प्रोसेस जहां से शुरू हुआ, ये एक बदबूदार प्रोसेस है। एक आजाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है कि आपके जनाब स्पीकर इतने जल्दी तेजगाम आपने लगाई हुई है कि हर सूरत में इसको 21 तारीख हो गई है, रात के 1:10, ये कल के लिए 22 तारीख पे क्यों नहीं जा सकता था? ये 31 अक्टूबर को क्यों नहीं हो सकता था? क्या ये मनी बिल है? ये अमेंडमेंट आज नहीं पास होती फर्ज माल, या 31 को आप पास कर लेते, क्या लोगों की तनख्वाहें बंद हो जाती? कि ये गवर्नमेंट इस लायक नहीं कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यहाँ पे लाए। हम लोग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे जनाब स्पीकर। बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान और अचकजई साहब और हमारे MWM के साथी, हम लोग इत्तेफाक नहीं कर पाएंगे। हमारे जो अबडक्टेड मेंबर्स हैं, इनको वापस अपनी सीटों पर यहाँ के आप आके बिठाए।